इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है और सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन सेफ्लोस्पोरिन ड्रग क्लास की एक एंटीबायोटिक दवा है। सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे त्वचा पर कोई घाव या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर, फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक या गले में इन्फेक्शन होने पर आपका डॉक्टर सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को लगाने की सलाह दे सकता है। पेशाब में इन्फेक्शन होने पर भी आपका डॉक्टर सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को लगाने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर आपको बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी आपका डॉक्टर सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को लगाने की सलाह दे सकता है। कोई सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी डॉक्टर सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को लगाने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को लगाने की सलाह दे सकता है। सेफ्ट्रायक्सोन एक सॉल्ट नेम है। सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को मोनोसेफ आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg और 2000 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है। यदि आपको सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को लगवाने के बाद सांस लेने में दिक्कत, गले मुंह होठों या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, रैशेस या एकदम से बुखार होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को कैसे लगाना रिकमेंडेड होता है। सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को इंट्रामस्क्यूलर और इंट्रावेनसली दोनों तरह ही लगाया जा सकता है। इंट्रामस्क्यूलर यानी मांसपेशियों में और इंट्रावेनसली यानी नसों के द्वारा, लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को केवल इंट्रावेनसली यानी केवल नसों के द्वारा ही लगवाने की सलाह देते हैं। सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपको सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को लगवाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को लगवाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आपको सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को उतने समय तक पूरा लगवाना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को लगवाने की सलाह दी है, क्योंकि सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है। सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन प्रेगनेंसी कैटेगरी बी की दवा है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही लगाने की सलाह देते हैं, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन को नहीं लगवाना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका सेफ्ट्रायक्सोन इंजेक्शन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।